मॉर्निंग एवरी वन, विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। तो आई एम श्योर कि आज के दिन आपके बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स होंगे और आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ गैदरिंग इन्जॉय कर रहे होंगे। बट मैं न्यूजीलैंड में अकेले हूँ एज़ यूजल। आई थिंक पिछले 10 साल से जब से मैं इंडिया से बाहर हूँ, 3 या 4 बार ही ऐसा हुआ है कि मैंने किसी के साथ या फैमिली के साथ दिवाली सेलिब्रेट की है। अदरवाइज ऐसा अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो जाता है कि मुझे दिवाली पर अकेले सेलिब्रेट करना होता है। बट नेवरदिलेस, दिवाली इज़ दिवाली और इसे हम फुल एक्साइटमेंट के साथ सेलिब्रेट करेंगे हर साल की तरह। न्यूजीलैंड में दिवाली कई तरीके से सेलिब्रेट की जाती है। अलग अलग जो ग्रुप्स हैं वो फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं, काउंसिल फंक्शन ऑर्गेनाइज करता है। बट वो फंक्शन मेरे लिए नहीं है क्योंकि वो बहुत क्राउडेड होते हैं। एक बड़े से एरेना में बहुत सारे डांस परफॉर्मेंस होते हैं, बाहर फायरवर्क्स भी ऑर्गेनाइज की जाती है, बहुत सारे फूड स्टॉल्स भी लगते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा क्राउडेड हो जाता है कि अगर आप मेरी तरह हैं जिसे भीड़ भाड़ से थोड़ी घबराहट होती है, तो ये फंक्शंस आपके लिए बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा भी अलग अलग ऑफिस में लोग पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, घरों में इनवाइट करते हैं दोस्तों को। मेरे इतने सारे फ्रेंड्स नहीं हैं। इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर मी कि मैं अपनी दिवाली अपने तरीके से सेलिब्रेट करूं। मैं इंडिया में यूपी वाराणसी से हूं और हमारे यहाँ दिवाली इज़ अ बिग फेस्टिवल। दिवाली की सफाई तो हर किसी के यहाँ चलती ही चलती है, उसके अलावा इट्स ऑल अबाउट स्वीट्स एंड बहुत सारा खाना, लोगों से मिलना, लोगों के घरों में जाके मिठाइयाँ देना, जो हम यहाँ पे नहीं कर पाते इतना ज़्यादा। बट स्टिल मैं जो भी आज के दिन बनाती हूँ या मंगाती हूँ बाहर से, वो मैं अपने ऑफिस अपने कलीग्स सबके साथ डेफिनेटली शेयर करती हूँ। दिवाली इज़ डेफिनेटली अबाउट शॉपिंग और कल मैं शॉपिंग के लिए गई थी एंड इट वॉज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। आज न्यूजीलैंड में दिवाली की छुट्टी नहीं है, लेकिन आज के दिन ही न्यूजीलैंड का एक पब्लिक हॉलीडे पड़ रहा है जिसे लेबर डे कहते हैं। तो आज मंडे है लेकिन डे ऑफ है, गुड फॉर मी। अदरवाइज़ मैं दिवाली के दिन वैसे भी डे ऑफ ले लेती हूँ क्योंकि हु वॉन्ट्स टू वर्क ऑन दिवाली। कल मैं गई थी शॉपिंग के लिए एंड ऑल आई कुड फाइंड वॉज कैंडल्स। दैट्स इट। इतना ख़राब सामान था मार्केट में, चाहे वो कपड़े हों चाहे कुछ और हो। आई एम अ बिग टाइम परफ्यूम पर्सन। परफ्यूम तो मार्केट में हमेशा ही अवेलेबल रहते हैं, बट दिवाली के टाइम आप चाहते हो कि आपको कोई अच्छी सी चीज़ मिले, कुछ अच्छा ख़रीदने को मिले। मुझे नेक्स्ट मंथ इंडिया निकलना है तो मेरा प्लान था कि मैं दोनों की शॉपिंग एक साथ कर लूँगी, बट नथिंग वॉज अवेलेबल। एक वो फैमिली मेम्बर जो लकी रहा है मेरे घर में, वो है मेरे डॉग्स। डॉग्स मेरे इंडिया में हैं और उनके लिए मैंने ऑनलाइन शॉपिंग करके केमार्ट से कुछ टॉयज़ और गिफ्ट मंगाए हैं जो बिल्कुल टाइम पर आए। एंड थैंक गॉड मैंने ऑनलाइन चीज़ें मंगाई। कौन है? अरे क्या हो रहा है, इतनी आवाज़ कहाँ से आ रही है? अरे रुक जाओ, ठीक है वेट करते हैं ये ख़त्म हो जाए फिर मिलती हूँ। कोई पेड़ों की छटाई करवा रहा है तो बहुत आवाज़ हो रही है और इसको डेफिनेटली थोड़ा टाइम लगेगा, तो वीडियो थोड़ी देर बाद रिज्यूम करते हैं। तो जब तक हमारे पड़ोसी बिजी थे अपनी ट्री ट्रिमिंग में, तब तक मैंने कुछ चीज़ें निपटा ली हैं। जो कपड़े डोनेशन के लिए देने थे उन्हें धुल के बाहर डाल दिया है और यहाँ पर किचन में बहुत सारी तैयारी हो रही है। समोसे के लिए आलू उबाल के छील के रख लिया है, यहाँ पर तैयारी हो चुकी है कढ़ाई पनीर की। ये है कढ़ाई मसाला जो मैं एडवांस में ही बना के रखती हूँ। कढ़ाई मसाले में सिंपली सूखा धनिया, जीरा, थोड़ी सी काली मिर्च और खड़ी लाल मिर्च को ड्राई रोस्ट करके पीस लेना है और आप इसे स्टोर करके जब तक मर्जी तब तक रख सकते हैं। आप चाहे कढ़ाई चिकन बना रहे हैं या फिर कढ़ाई पनीर बना रहे हैं, मसाला आपका सेम जाता है। और ये सारी तैयारी करते करते मुझे याद आया कि मेरे पास ग्रीन चिली नहीं है, तो अब मैं स्पेशली ग्रीन चिली लेने बाहर नहीं जा रही हूँ क्योंकि अभी अभी बहुत बहुत ज़्यादा विंडी हो गया था बाहर। हमारा पुलाव ऑलरेडी रेडी है। यहाँ दूसरी तरफ मैंने खीर की तैयारी कर दी है। यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट्स चॉप करके रखे हुए हैं, यहाँ पर चावल रेडी है। और यहाँ न्यूजीलैंड में दूध ऐसे बॉटल्स में आता है, अलग अलग कंपनी का और अलग अलग साइज़ का, आप 1.5 लीटर से लेके 2 लीटर तक के, 3 लीटर तक के दूध के बॉटल ऐसे डब्बे में खरीद सकते हैं। यहाँ पे मैंने समोसे का आटा गूँथ लिया है, पूड़ी का आटा गूँथ के फ्रिज में ऑलरेडी रख दिया है। और यहाँ पे पक रही है हमारी
खीर। समोसे और पूरी के आटे में अंतर सिर्फ इतना है कि आप पूरी में जो मोवन है वो बहुत कम डालते हैं और समोसे में मोवन जो है वो ज़्यादा रखते हैं, यानी घी, बटर, तेल जो डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, प्लस अजवाइन और नमक। समोसे का आटा बहुत टाइट गूंदिए, उसे बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं करना है, बस इतना कि वो एक साथ इकट्ठा हो जाए, एंड दैट्स इट। यहाँ पे टोस्ट हो रही है मेरे पीनट बटर सैंडविच के लिए ब्रेड, और ये है मेरा पीनट बटर। ये आता है मेड इन इंडिया एंड वाओ, इसका टेस्ट बहुत बहुत अच्छा है। तो मैं एक बार अपनी कॉफ़ी और सैंडविच ख़त्म कर लूँ, उसके बाद हम खाना बनाना शुरू करेंगे। चलिए जी, तो मेरी खीर बनके हो गई है रेडी एंड इट लुक्स रियली अमेजिंग। ऑफ कोर्स अभी टेस्ट नहीं कर सकती क्योंकि पूजा में देना है। तो अब जल्दी जल्दी से काम ख़त्म करते हैं और सबसे पहले बनाते हैं समोसे की फिलिंग, ताकि जब तक हम कढ़ाई पनीर बनाएं वो ठंडी हो जाए। हमने कच्चा जो जीरा है और कच्चा जो धनिया उसे कूट लिया है। यहाँ पर थोड़ी सी सूखी जो धनिया है वो लिए, फ्रेश नहीं है मेरे पास। और यहाँ पे हैं हमारे आलू। आपके पास हींग और हरी मिर्च है तो वो भी इसमें जाएगी, मेरे पास दोनों ही है। तो ये अब जो समोसे की बेसिक फिलिंग है वो रेडी है। ये बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल जो पंजाबी समोसा बनता है वो है, और बहुत इजी है फिलिंग बनाना। आप इस फिलिंग के साथ जितना चाहे उतना क्रिएटिव हो सकते हैं। मुझे बेसिक आलू की फिलिंग चाहिए थी तो मैंने वो बनाई है। आपको इसमें पनीर ऐड करना है, पीनट्स ऐड करने हैं, थोड़ा सा मेथी ऐड करना है, मटर ऐड करने हैं, फील फ्री टू ऐड एनी थिंग दैट यू नीड। लेकिन मसाले इसमें जितने कम रहते हैं इसका फ्लेवर उतना ही ज़्यादा निकल जाता है। तो अब इसको हम साइड में ठंडा होने के लिए रख देते हैं और अब शुरू करते हैं कढ़ाई पनीर। तो कढ़ाई पनीर की जो करी है वो किसी भी दूसरी करी की तरह है। सिंपल जीरा, दो तीन तेज पत्ते, लहसुन, अदरक, प्याज और टमाटर जाएगा, और एट द एंड जो कमाल है वो दिखाएगा ये कढ़ाई मसाला। टमाटर जाते ही इसमें जाएगा नमक और मिर्ची और थोड़ी सी हल्दी। सारी चीज़ें मिक्स होके रेडी हैं। अब बस हम इसमें डालेंगे कढ़ाई पनीर, कढ़ाई मसाला, और ये कढ़ाई पनीर रेडी है। जैसे आप इसमें कढ़ाई मसाला डालेंगे इसका कलर जो है वो थोड़ा सा और डार्क ब्राउन की तरफ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे समोसा बनाना शुरू कर दिया है, मैं जल्दी से एक रोल करके आपको दिखा देती हूँ। ऐसे इस पर पानी लगाने के बाद ये उठाया हाफ, इसको ऐसे फोल्ड किया, और अभी जो आपका कोन है वो बन के रेडी है। इसे अच्छी तरह से दबा लीजिए, इसमें फिलिंग डाल दीजिए। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो ज़्यादा फिलिंग मत डालिए, नहीं तो फट सकता है समोसा। ये अच्छे से फिलिंग डाल के अब जहाँ पे ये फोल्ड है उसके ठीक पीछे ऐसे दबा दीजिए और इसे आपस में मिला दीजिए, एंड आपका समोसा रेडी। तो दिन के दूसरे शावर और तीसरी कॉफ़ी के साथ मैं हूँ रेडी, और अब थोड़ा सा पता लग रहा है कि हाँ थोड़ी थकान हो रही है, यू नो, पैर में थोड़ी, कैसे पूरे दिन आप खड़े होकर जब काम करते हैं थोड़ी सी टीस सी लगती है, वो हो रहा है। तो मैं अब कॉफ़ी पीती हूँ, आधे घंटे का ब्रेक लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। अगर आप कारपेट पे रंगोली बना रहे हैं फ्लावर्स के साथ जैसे मैं बना रही हूँ, तो मेक श्योर कि जो पेटल्स है वो हमेशा मोटे पेटल हो फ्लावर्स के। इससे क्या है कि आपके कारपेट पे कभी भी स्टेनिंग नहीं होगी। या फिर आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि एक कोई सिंगल पेटल उठा के और इसे रब करके देख सकते हैं, इससे आपको पता लग जाएगा कि फ्लावर कितना स्टेन करता है। या जस्ट टू बी ऑन सेफ साइड, आप जितनी बड़ी रंगोली बनाने वाले हैं उतना बड़ा नीचे कोई कार्डबोर्ड काट के लगा सकते हो और फिर फ्लावर्स की रंगोली बनाइए, तो ऑफ कोर्स स्टेनिंग का कोई चांस नहीं रहेगा। टन टन,
ये हो गई मेरी पहली रंगोली रेडी, और बाकी छोटी छोटी रंगोली मैं घर के बाहर बनाऊंगी। बाहर लाइट्स तो जल गई है, बट साथ के साथ जो हवा है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है। आज चौथी या पांचवी बार है कि आंधी तूफान आ रहा है, जा रहा है थोड़ी थोड़ी देर में, तो मैंने बाहर रंगोली बनाने का प्लान कर दिया है कैंसिल। आपको मेरी ये रंगोली कैसी लग रही है डेफिनेटली बताइएगा, मुझे बहुत प्यारी लग रही है बहुत ज़्यादा। तो अब बस सनसेट होने का वेट करना है ताकि हम पूजा करें, और फिर हमारे जो पूरे दिन की मेहनत है यानी इतना बढ़िया बढ़िया जो खाना बनाया है वो खाने का मौका मिले। तो शाम हो गई है और करीब 8 बज रहा है, पूजा का मुहूर्त 8:15 तक का ही है यहाँ न्यूजीलैंड में। मैंने कोई भी इंडियन वेयर नहीं पहना है क्योंकि मेरे पास यहाँ न्यूजीलैंड में इंडियन वेयर नहीं है। अब क्यों नहीं है ये बहुत लंबी स्टोरी है, मैं कभी और शेयर करूँगी, लेकिन मैंने सारा सेटअप कर लिया है और मेरे पास लक्ष्मी गणेश की मूर्ति भी नहीं है, सॉरी। जो लोग कनाडा में रहते हैं या ऑकलैंड में रहते हैं न्यूजीलैंड में, उन्हें यह बहुत सरप्राइजिंग लग रहा होगा, लेकिन जब मैं इंडियन शॉप में गई थी तो वहाँ पर वो लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति अलग अलग बेच रहे थे, साथ में नहीं थे। जो एक आधी मूर्ति थी भी, या तो वो बहुत बड़ी थी या बहुत छोटी थी, तो सिमिलर लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति नहीं थी। तो सोल्यूशन निकाला मैंने, लैपटॉप में भगवान की मूर्ति निकाली है लक्ष्मी गणेश की। अभी जल्दी से दिए जलाते हैं, आरती करते हैं और फिर प्रसाद खाते हैं। तो आज की पूजा हुई समाप्त और माता रानी की आरती आप सभी के लिए। सो दिस इज व्हाट दिवाली इज फॉर मी, इट्स ऑल अबाउट लाइट, ग्रैटिट्यूड, बहुत सारा थैंक्स, बहुत सारा थैंक्स हर चीज़ के लिए, हर चीज़ जो आज हम इंजॉय कर रहे हैं, हर चीज़ जो आज हमारे पास है, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ बहुत सारा टाइम बिताइए। अगर आप अपनी फैमिली के साथ हैं, दिन यू आर लकी इनफ, आपको मेरी तरह अकेले दिवाली सेलिब्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, बट नेवरदलेस जहाँ पर भी आप हैं, आई विश कि आप सेफ रहें, एक अच्छी दिवाली मनाएं और बहुत 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 सारी सक्सेस पाएं। अब मैं डिनर करूंगी अपने घर में, फ़ोन करूंगी सबको, ये डेकोरेशन और खाना दिखाऊंगी, बिकॉज पूरे दिन की मेहनत का कुछ तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए ना, फीडबैक मिलना चाहिए। मैं अगले महीने इंडिया जाने वाली हूँ, तो आने वाले व्लॉग्स मेरे ट्रैवल और शॉपिंग को लेकर रहेंगे। इंडिया में हमने हमारा पहला घर बनाया है, तो मैं जब इंडिया जाऊँगी अगले महीने आपको अपना पहला घर भी ज़रूर दिखाऊंगी। तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिए, प्लीज़ व्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड खुश रहिए। आई सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।